आम आदमी पार्टी आज से सुंदरकांड का पाठ करने जा रही है, क्या ये माना जाए कि बीजेपी के बाद में आम आदमी पार्टी भी राम के नाम पर चल रही? देखिए, राम का नाम लेना, भगवान हनुमान का नाम लेना, ये तो बड़ा पवित्र है, सबको लेना चाहिए। और हम तो यही कर रहे हैं कि संकट मोचन जो इस देश पे, इस समाज पे कहीं भी किसी तरह का संकट है, वो सारे संकट दूर किया जाए। उसमें ये भी है कि हम दिल्ली को साफ करें, एक हमारी मांग ये भी है, भगवान से हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हमारा चौथा दिन है निरीक्षण का। अब तक लगभग 32 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग चल चुके हैं, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रहे हैं, हमारे काउंसलर जा रहे हैं, हमारे MLA जा रहे हैं। और आज हमने छतरपुर का दौरा रखा है। बताया जा रहा है इस वार्ड में 8 ढलाव हैं, हमारे साथ DC साहब भी हैं, उनसे भी चर्चा हुई, तो इन 8 ढलाव को बंद करके 3 FTS लगाएंगे, जिसके कारण जो कूड़ा आपको सड़क पर कहीं भी दिखता है वो दिखना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ढलाव पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा कि अगले 4 से 5 महीने में छतरपुर पूरी विधानसभा में आपको कहीं भी कूड़े की एक 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 पत्ती भी नहीं नज़र आएगी। और ये पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसका पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। क्या कई सालों बाद आम आदमी पार्टी को MCD मिली है, और इस विधानसभा की इस वार्ड की बात करें तो काफ़ी कूड़ा रहता था, अब की परिस्थिति देख के आप क्या कहेंगे, पहले और अब में क्या? मतलब मैं तो कहूँ इससे बेटर है कि पब्लिक क्या कहती है। अभी हम रास्ते में आते हुए हमने 5-6 जगह पूछा, और हर जगह लोग ये कह रहे थे कि पहले के मुकाबले बहुत अच्छा व्यवस्था हो गई है। पार्षद हमारे जो सुंदर जी हैं, चाहे उमेश जी हैं, चाहे हमारे पिंकी जी हैं, ये लगातार घूमते रहते हैं इलाके में। करतार जी को फ़ोन करो अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो मौके पे प्रेजेंट रहते हैं। तो पब्लिक का रुझान तो यही है कि MCD में अब अच्छी अच्छी बातें सुनने को आ गई हैं। अब सफाई की बात हो रही है, साफ़ सफाई की बात हो रही है। पहले तो ये लगता था कि ये ढलाव में पैसा खा लिया, कूड़ा उठाने के चक्कर में पैसा खा लिया, पार्क कब्जा कर लिया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और अब पूरी तरह से हम लोग मिलकर दिल्ली को साफ सुथरा करने में लगे हुए हैं। कल MC